Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, in this class I am going to start new chapter number 10, time. Okay? Time के बारे में इस chapter में हम पढ़ेंगे. Time हमारे day to day life में हम लोग बोलते भी हैं, use भी करते हैं. मम्मा स्कूल जाने का क्या टाइम है? स्कूल जाने का जैसे सबको पता है टाइम 7:40 पे हम आते हैं समर्स में, रिसेस टाइम और हमारा स्कूल ऑफ होने का टाइम या हमारा स्टडी का टाइम ले ले, तो हम ये जो टाइम वर्ड यूज करते हैं, टाइम एक्चुअल में है क्या? टाइम हिंदी में टाइम को बोलते हैं समय, ठीक है? तो टाइम के जो चैप्टर है उसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. आपने समटाइम्स देखा होगा टाइम के आगे लिखा हुआ आता है वॉच, सब देखते होंगे. रिस्ट वॉच होती है जो आपके आप या आपके मम्मी पापा आपके पहन वेयर करते हैं, तो उसमें समटाइम्स आप टाइम नोट करके देखते होंगे, है ना? तो जब टाइम कई बार मॉर्निंग का टाइम होता है तो उसमें आपका लिखा होता है स्कूल के जो सर्कुलर्स मिलते हैं उसमें एएम लिखा होगा, और आपके नून टाइम में जैसे 12 होगा तो वहां नून लिखा होता है, और इवनिंग टाइम्स में आपका पीएम लिखा होता है. तो ये सारी जो स्टडी है ना इस चैप्टर के अंदर करेंगे. तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो हम कवर करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉक. क्लॉक कितने टाइप्स की होती है? क्लॉक्स 2 टाइप्स की होती है. एक होती है हमारी एनालॉग क्लॉक और दूसरी हमारी डिजिटल क्लॉक. जो एनालॉग क्लॉक है वो हम सब लोग ये देखते हैं, ठीक है? ये जो हमारे घर पे लगी होती है, वॉल्स पे लगी होती है, ये सब हमारी एनालॉग क्लॉक है. इसके लिए क्या चीज है? देखो, इसमें आर एंड होगा, ये मिनट है और ये सेकंड का है. इसमें नंबरिंग होती है. समटाइम्स आजकल डिजाइनर क्लॉक्स आती है जिनमें नंबरिंग्स भी नहीं होती, तो ये हम कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं, इसको हर जगह साथ में लेके नहीं घूमते ना. तो ये एक एग्जांपल है एनालॉग क्लॉक का. अब बात करते हैं हम हमारे डिजिटल क्लॉक की. डिजिटल क्लॉक क्या है? डिजिटल क्लॉक आपने समटाइम्स देखा होगा कि कुछ जो क्लॉक्स होती है उनमें सीधे टाइमिंग शो हो रही होती है. जैसे सपोज आपका टाइम शो हो रहा है 10:45 से डायरेक्ट टाइम शो हो रहा है. इसमें ना आपको कोई पूरा इस तरीके से नहीं होगा कि आपकी 12 तक की काउंटिंग गिवन होगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टाइम शोज हो रहा है. ये आपका जो टाइम होता है वो होता है डिजिटल क्लॉक का टाइप होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम. अब टाइम की यूनिट्स का कन्वर्जन करना है. अब यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे होगा? बिगर टू स्मॉलर करेंगे सीखेंगे और स्मॉलर टू बिगर सीखेंगे. अब बिगर यूनिट जैसे आज हुआ मिनट्स में चेंज करना, मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना, तो ये बिगर टू स्मॉलर की तरफ मूव कर रहे हैं. तो सारे डिस्कशंस हम एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे. नेक्स्ट है द 24 आवर क्लॉक. 24 आवर क्लॉक क्या है? आप लोगों की जो क्लॉक अभी आपने देखी थी उसमें क्या था? आपकी जो टाइम थी 12 तक था, 12 से स्टार्ट था. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अब 12 आवर क्लॉक्स आपको सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, रेलवे स्टेशन पे मिल सकता है. सेकंड थिंग, आप कभी भी अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पे जो टाइमिंग होती है आपको कैसे मिलेगी? 14:00 आवर्स. जबकि आप घर पे अपने देखते हो क्लॉक में तो 12 के बाद तो कोई भी काउंटिंग नहीं होती. इसके आगे 12 के बाद अगेन हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये तो 12:00 आवर्स लिखा होता है. तो ये जो आवर्स का कन्वर्जन है ये हमारा 24 आवर क्लॉक में होता है. इसका डिस्कशन आपके एक्सरसाइज में है, हम उसे पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ 12 आवर क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक एंड वाइस वर्सा. हम लोग क्या सीखेंगे? हमें कन्वर्जन करना है टाइम का. 12 आवर क्लॉक की जो टाइमिंग है उसका किस में कन्वर्ट करेंगे? 24 आवर्स में. वाइस वर्सा का मीन्स है 24 आवर्स को हम किस में चेंज करना सीखेंगे? 12 आवर क्लॉक टाइम में, ठीक है? नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम. हमारा हम क्या सीखेंगे? टाइम को किस तरीके से ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट कैलेंडर, कैलेंडर का यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे. इसमें हम डेज को कैसे काउंट करते हैं, बिटवीन डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखेंगे इस चैप्टर में. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हम टाइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना वो देखते हैं क्या है. आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग टाइम में हम लोग लिखते हैं 7 AM, 8 AM. तो AM क्या है? AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन, ठीक है?
इवनिंग के लिए पीएम यूज करते हैं हम, पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिटल, क्लियर। थर्ड पॉइंट है आपका द आरएन गोज अराउंड द क्लॉक ट्वाइस इन 24 आवर। जो आपकी हम जब ये क्लॉक बनाते हैं, एक हमारी जो स्मॉल वाली नीडल होती है वो होती है आर क्लॉक, उससे जो बड़ी होती है वो हमारी मिनट्स के लिए शो करती है, और एक जो हमारी सबसे बड़ी जो होती है वो होती है सेकंड्स के लिए, जो कंटिन्यूस मूव करती है वो होती है हमारी सेकंड हैंड कह सकते हैं। तो जो हमारा आर हैंड है वो एक दिन में 2 बार पूरा राउंड लगाता है, यानी अगर हम ये हमारा आर हैंड 12 आवर्स डे के और उसके बाद वाला आवर्स 24 आवर्स में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2 टाइम्स पूरा इस क्लॉक के राउंड कंप्लीट करता है। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ टाइम इज सेकंड। सबसे छोटा जो टाइम है मेजरमेंट टाइम का जो मेजरमेंट है वो है सेकंड्स में, क्लियर। अब उसके बाद आज हम सबसे बड़े होते हैं, नेक्स्ट फिर मिनट्स होते हैं, नेक्स्ट सेकंड्स होते हैं। तो ग्रेटेस्ट तो हो गया हमारा आर, फिर मिड में आता है मिनट्स, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है जब हम सीखेंगे मेजरमेंट के लिए वो आएगा सेकंड्स में, ठीक है। इसके बाद मैंने देखो यहाँ पे वन डे जनरल फैक्ट्स है, जो वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये जनरल फैक्ट्स हैं जो आपको टाइम से रिलेटेड है और ये आपको अच्छे से पता भी होंगे, हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। जैसे वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होते हैं एंड वन लीप ईयर, लीप ईयर में क्या होता है वन डे एक्स्ट्रा होता है 366 डेज, और वो कब होता है फेब के मंथ में, हर 4 ईयर्स के बाद वो रोटेट होता है। जैसे 28 डेज होते हैं हमारे फेब में, तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, क्लियर। तो जो भी इससे रिलेटेड टाइम के चैप्टर में हमने सीखा है वो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे इसी बेस पे क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 10.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। आपको क्या करना है, जो गिवन पार्ट्स है उनको आवर्स में चेंज करना है। सो स्टूडेंट्स, हमें जो भी चीज दी गई है डेज एंड आवर्स में दी है, तो हमें सबसे पहले ये पता है कि वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं, तो हम इस चीज का यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, 4 डेज, वन डे में 24 आवर्स है तो 4 डेज में 4 × 24, ये हमारे आवर्स में चेंज हो गया। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, 1 कैरी, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, तो आंसर आएगा हमारा 96 आवर्स। अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करते हैं, 8 डेज एंड 15 आवर्स, तो आप देख रहे हो कि आवर्स में तो 15 ये जो गिवन है तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें तो चेंज इसको कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है, नीड किसको रहेगी सिर्फ 8 डेज को, तो हम इसको चेंज करेंगे 8 डेज एंड 15 आवर्स। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो 8 में क्या होगा 8 × 24, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स ये आवर्स में चेंज हो गया, एंड है यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे इसके लिए, एंड 15 आवर्स। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 4 = 32 का 2 नोट डाउन करेंगे, 3 हमारी कैरी हुई, 8 × 2 = 16 और 3 = 19, तो आंसर आया 192 आवर्स प्लस 15 आवर्स। अब इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आज में आ जाएगा 2 + 5 = 7, 1 + 9 = 10, 1 i carry, 1 and 1 = 2, तो 207 आवर्स, क्लियर। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से जो सी और डी पार्ट है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू।